गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। एंड चलिए, इवन इन अ शॉर्ट वाइल आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन, सो जस्ट लेट मी नो इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू आर नॉट। पहले आई थॉट कि लाइक आपका क्विज मैं सेशन में ही ले लूँगा, बट फिर आई थॉट के खाली फोकट का एक आध घंटा उसमें जाएगा, सो बेहतर है कि मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कर दूंगा जो भी हमने डिस्कस किया है इन केस ऑफ पास बैंड। बट अभी हम फटाफट से उसका एकदम क्विक रिव्यू ले लेते हैं। तो आपको क्या करना रहेगा, आपको मुझे फटाफट से आंसर्स देने रहेंगे और जो भी मैं क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूँ वो सबके। तो उससे क्या होगा कि अगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई विल कम टू नो, और इवन यू विल कम टू नो कि आपको वो समझ में आया है कि नहीं आया है। सो चलिए, आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू एंड इवन आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। आप रिप्लाई तो अभी करते नहीं हो, पता नहीं क्यों रिप्लाई नहीं करते हो आप लोग। तो आई अज्यूम कि हाँ, चलो आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी दिख रहा है, यानी आपका बर्ताव पता नहीं क्यों बदल गया है, ना रिप्लाई करते हो, ना कुछ भी बात करते हो, ना कुछ भी बोलते हो। चलो, तो अगर हम बात कर रहे हैं, चलिए तो अभी मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। सो सबका व्हाट्सएप ओपन है क्या? सबका व्हाट्सएप ओपन है ना, तो मेरी आवाज़ सुनते रहिए और मुझे आप इंडिविजुअली व्हाट्सएप कीजिएगा, तो वहाँ पे मुझे फटाफट से जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये है कि पीसीएम का बीट रेट क्या होगा। चलिए बताइए, व्हाट्सएप कीजिएगा मुझे पीसीएम का ये क्या होगा बीट रेट फॉर एन बीट पीसीएम। गुड 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 रितेश, आई गॉट योर आंसर, गुड। स्नेहा, देवेंद्र, गुड गुड। फॉर एन बीट पीसीएम उसका बीट रेट क्या होता है? ओके सुमित, करेक्ट है। अभिषेक, मैं बीट रेट पूछ रहा हूँ, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट बैंडविथ। तू मुझे रिप्लाई कर रहा है बैंडविथ का, गुड 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 गुड। चलिए बाकी सब लोग जो है वो मुझे फटाफट से व्हाट्सएप कीजिए, चलिए फटाफट से व्हाट्सएप कीजिए। अभिषेक का सही है, सुमित का सही है, स्नेहा का सही है, देवेंद्र सही है, रितेश सही है। चलिए मुझे ये बताओ कि पीसीएम का बीट रेट क्या होगा, क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप सब लोग रिप्लाई करोगे मुझे, हाँ व्हाट्सएप करोगे? हाँ चलिए फटाफट से, चलिए अभी वेट नहीं करूँगा, जिसका आ गया वो आ गया, छोड़ो। उसके बाद पीसीएम का बैंडविड्थ क्या होगा। ओके गुड 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 सुमित, गुड। पीसीएम का बैंडविड्थ क्या होगा, मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट? ओके मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, गुड 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 गुड। क्रिस्टल, अभिषेक, स्नेहा, रितेश, देवश्री, आप तो आंसर भेज रहे हो, मुझे आंसर नहीं चाहिए, इक्वेशन चाहिए। देवेंद्र बिल्कुल सही है, सुमित आपका भी सही था। चलिए बाकी सब लोग फटाफट से बताओ मुझे कि अगर हम बात कर रहे हैं बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट फॉर द पीसीएम, तो मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कितना होगा? मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट फॉर पीसीएम कितना होगा? और जो आपने आंसर लिखा है ये कब पॉसिबल है? आपने जो आंसर लिखा है क्या उसमें इंटर सिंबल इंटरफेरेंस होगा? यस और नो मुझे व्हाट्सएप में भेज के बताओ, अगर आपने जो बताया है। ओके आईएसआई होगा कि नहीं होगा, मेरा एक ही क्वेश्चन है, आईएसआई होगा कि नहीं होगा? गुड गुड गुड। रितेश, आईएसआई होगा कि नहीं होगा, सोच के बताओ। आप बोल रहे हो कि आपका जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है वो आपने कुछ बोला और उसके बाद बोल रहे हो कि उसमें आईएसआई होगा कि नहीं होगा, तो आप थोड़ा सोच के बताओ। सुमित, गुड गुड गुड, सुमित आपका सही है। रितेश, आप सोच के बताओ। लेकिन ये जो मिनिमम बैंडविड्थ आया आपका RB/2, वो कौन से केस के लिए आया है?
क्या हमने रेक्टेंगुलर पल्स लिया है उसके लिए आया है, या तो फिर हमने सिंक लिया होगा पल्स तब आएगा, या रेस्ट कोसाइन लेंगे तब आएगा। गुड 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 गुड। नहीं देवश्री, आप कुछ मिसकंसेप्शन के साथ बोल रहे हो। हाँ अभिषेक, रेक्ट कहाँ पे होगा, कौन से डोमेन में होगा? मैं जब पल्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा अभिषेक, ओके ओके ओके, अगर टाइम डोमेन में अगर रेक्टेंगल ले रहे हैं तो आपका आईएसआई होगा। गुड गुड गुड। मगर अभिषेक मैं ये पूछ रहा हूँ कि आरबी बाई टू कौन से केस में आता है? अगर मैं सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर पल्स लूंगा तो बैंडविड्थ क्या आएगा, किसी को मालूम है? अगर मैं रेक्टेंगुलर पल्स लूंगा तो बैंडविड्थ क्या आएगा, मालूम है अभिषेक? गुड। देवेंद्र सही है, रितेश सही है। अगर मैं, यानी कि आप ये समझ लो कि हमारे पास तीन अलग अलग केसेस होते हैं, जो भी हम पल्स चूज करते हैं तो वो पल्स के हिसाब से हमारे पास तीन अलग अलग केस होते हैं। तो सबसे पहला केस कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर पल्स का। तो मुझे ये बताओ रेक्टेंगुलर पल्स के लिए आपको बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कितना चाहिए रहेगा? रितेश का सही है, सुमित का सही है, अभिषेक का सही है, देवेंद्र का सही है कि जब आप रेक्टेंगुलर पल्स लोगे तो वहां पे आपका बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट कितना होना होगा। रेक्टेंगुलर पल्स इन अ टाइम डोमेन, मैं ऐसा बोल रहा हूं, रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ ड्यूरेशन टीबी इन अ टाइम डोमेन, जब ये हम पल्स लेंगे तब उसका बैंडविड्थ क्या होगा? बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर यहां पे कंफ्यूजन हो रहा है तो पास्ट बैंड में काफी कंफ्यूजन होगा। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? मुझे सबसे रिप्लाई चाहिए, एटलीस्ट यहाँ पे 15 से 16 लोग अवेलेबल हैं। तो क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि अगर रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ ड्यूरेशन टीवी है, अगर उसको ट्रांसमिट करने कर रहे हैं तो वहाँ पे मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट क्या होगा रेक्टेंगुलर पल्स ले रहे हैं तो? नहीं स्नेहा, आप खुद ही सोचो ना, रेक्टेंगुलर पल्स है, रेक्टेंगुलर पल्स है ऑफ ड्यूरेशन टी टाइम डोमेन के अंदर, तो फिर उसका आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होगा? अगर रेक्टेंगुलर पल्स है ऑफ ड्यूरेशन टी तो फिर उसका टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होगा? सिंक होगा, और सिंक का पहला नल कहां पे आएगा, 1/T पे आएगा, तो फिर वहां पे बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, आरबी हो जाएगा। बोले हाँ कि ना? हाँ सब लोग, आप लोग व्हाट्सएप कीजिए मुझे फटाफट से। हाँ देवश्री, स्नेहा, क्रिस्टल, सुमित, हाँ सब कुछ सही है बराबर। रिप्लाई नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता किसका रिप्लाई नहीं आ रहा है। प्रत्युष का रिप्लाई नहीं आ रहा है, उसके बाद आई थिंक पायल का रिप्लाई नहीं आ रहा है, और कौन कौन है, हैरम्ब, खुशबू, ओनकार, ये सब रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो रिप्लाई कीजिए, अरुण, तन्वी, रिप्लाई कीजिए मुझे। चलिए तो सबसे पहला था, हाँ फॉर रेक्टेंगुलर पल्स आरबी होगा राइट। अगर मगर रेक्टेंगल जब पल्स लेंगे टाइम डोमेन में तब वहाँ पे आईएसआई होगा? जब हम उसको ट्रांसमिट करेंगे थ्रू चैनल तो क्या वहाँ पे आईएसआई होगा? रेक्टेंगुलर पल्स डिस्पर्सिव होता है। बेटा आप ना कैसे बोल रहे हो, जब रेक्टेंगुलर पल्स होगा तब वहां तो स्प्रेड आउट होता है ना, यानी चांसेस है, मैं ऐसा पूछ रहा हूं, चांसेस है, मैंने ऐसा बोला, चांसेस है क्या, चांसेस है क्या? अगर रेक्टेंगुलर पल्स है तो क्या वहां चांसेस है का? आप आइडियल केस मत देखो कि हाँ हमने आइडियली देखा हुआ था कि वो मैच फिल्टर से जाएगा तो वहां पे ट्रायंगल आएगा और वहां पे फिर नहीं होता है आईएसआई। मगर मुझे ये बताओ क्या वहां पे चांसेस है क्या आईएसआई का? हाँ वहां पे चांसेस तो है बराबर, डिस्पर्शन होगा। अगर डिस्पर्शन होगा तो इन दैट केस मुझे ये बताओ हमने क्या लिया था, हमने क्या लिया था, रेक्टेंगुलर पल्स हम नहीं लेंगे, हम कौन सा पल्स लेंगे, सिंक लेंगे, सिंक लेंगे राइट।
तो जब हमने सिंक लिया था तो मुझे बताओ हमारी कंडीशन क्या आई थी, फॉर जीरो आईएसआई कंडीशन क्या आई थी, मुझे दोनों कंडीशन बताओ, टाइम डोमेन का भी कंडीशन बताओ और फ्रीक्वेंसी डोमेन का भी कंडीशन बताओ। गुड गुड अभिषेक, गुड 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 देवेंद्र बिल्कुल सही, स्नेहा बिल्कुल सही, अभिषेक बिल्कुल सही। चलिए बाकी सब लोग जो अभी अभी आए हैं मुझे आपको व्हाट्सएप करना है, आपका जो भी मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको उसका आंसर मुझे व्हाट्सएप करना है। गुड गुड सुमित सही है। चलिए बाकी सब लोग मुझे व्हाट्सएप कीजिए। गुड गुड कि अगर हम जीरो आईएसआई की बात कर रहे हैं तो इन केस ऑफ जीरो आईएसआई टाइम डोमेन के अंदर और फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर इन दोनों के अंदर हमारी कंडीशंस क्या होनी चाहिए। स्नेहा बिल्कुल सही, अभी चार लोग रिप्लाई कर रहे हैं मेरे को, स्नेहा सुमित देवेंद्र अभिषेक। चलिए आई जस्ट वेट फॉर वाइल बिकॉज लिखना है आपको। गुड गुड रितेश गुड। गप्पू अब आइनो बंद करना। अरुण ये कौन सा कंडीशन लेके आ गए, ऐसा किसने पढ़ाया, एफ एम इज मोर देन ट्वाइस ऑफ एफ सी, ये कहाँ से लेके आया आप अरुण, ये तो कभी बात भी नहीं हुई हमारी ऐसे इसके बारे में। तो नहीं बेटा कॉलेज से कहाँ लेके आ गए कि एफ एम इज मोर देन ट्वाइस ऑफ एफ सी। एफ एम ज्यादा कहाँ पे होता है, एफ एम कभी भी नहीं होता है ज्यादा। ओके सो अगर हम बात कर रहे हैं जीरो आईएसआई का, सो इन केस ऑफ जीरो आईएसआई टाइम डोमेन के अंदर नल्स आने चाहिए जब हम सैंपल कर रहे हैं तब, और जब हम सैंपल करेंगे उसके बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन ले रहे हैं तो उसका रिस्पांस फ्लैट होना चाहिए राइट। और मुझे वहां पे बताओ कि वहां पे मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट क्या आया था, अगर हम सिंक पल्स को यूज कर रहे हैं तो वहां पे बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट क्या आया था। गुड गुड देवेंद्र आरबी बाई टू आया था राइट क्या है? सब लोग सहमत हो ये बात से, वो आरबी बाई टू आया था राइट। मगर वहां पे हमने देखा हुआ था कि हमें चाहिए हमारा रेस्ड कोसाइन पल्स, तो बताओ इन केस ऑफ रेस्ड कोसाइन पल्स क्या हो जाएगा, इन केस ऑफ रेस्ड कोसाइन पल्स क्या हो जाएगा। एग्जैक्टली वन प्लस अल्फा होगा वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा राइट। चलिए चलिए रूल ऑफ फैक्टर वहां पे टेक पार्ट करेगा राइट। तो चलिए आई होप आपको ये सब बातें क्लियर है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं विद द पास्ट मेंड, सो चलिए नाउ फोकस ऑन द पास्ट मेंड। मैं इसलिए इतना इंसिस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ उसमें काफी सारा कंफ्यूजन भी है जो सबको हो रहा है, एंड इवन आई एम इन कॉन्टेक्ट विथ अदर फैकल्टीज टू जो ये पढ़ा रहे हैं कम्युनिकेशन, बट स्टिल दे आर सेइंग कि नहीं सर कन्फ्यूजन है वहाँ पे। कई सारे रेफरेंस बुक आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे देते हैं, मगर जब गेट की बारी आती है तो गेट का जो आंसर रहता है वो आपको ये अगर आप फॉलो कर रहे हो ये सभी रूल्स को और अगर ये सभी चीज़ों को समझ रहे हो तो आपके आंसर्स कभी भी गलत नहीं होंगे। चलिए तो अब मुझे बताइए कि कल हमने क्या क्या देखा हुआ था। चलिए तो आते हैं हम कल का जो बात हुआ था उसको आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अब मुझे ये बताइए कि अगर हम कल के लिए बात कर रहे थे तो कल हमने क्या क्या बात किया था, कल हमने क्या क्या बात किया था। तो बेसिकली कल हमने बात किया था अबाउट एएस के। तो श्रद्धा इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल लेट अस नो
कि इन केस ऑफ एएस के व्हाट यू हैव ऑल व्हाट यू हैव गॉट यस्टरडे हेलो इन केस ऑफ एएस के व्हाट वी हैव लर्न्ड ओके ओके सुमित आप नहीं थे ना हाँ अभिषेक अभिषेक इफ यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ हाँ अभिषेक ओके ओके तो अगर हम ASK की बात कर रहे हैं तो ASK पास बैंड है या बेस बैंड है ओके तो हम वहां पे यहाँ पे हम अगर 2 ASK की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एम्पलीट्यूड वेरिएशंस होंगे किसके अकॉर्डिंग टू व्हाट ओके और यहां पे जो मैसेज सिग्नल है वो कौन है ओके यानी कि वो बाइनरी है 010101 है ओके तो हम उसको ही हाई फ्रीक्वेंसी से मॉड्यूलेट कर रहे हैं जिसकी वजह से लो फ्रीक्वेंसी आपका जो भी स्पेक्ट्रम था वो स्पेक्ट्रम हाई फ्रीक्वेंसी पे चला जाएगा राइट अच्छा अभिषेक अब मुझे ये बताओ कि जब हम लो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो लो फ्रीक्वेंसी पे जो आपका रेक्टेंगुलर पल्स था अभी हम बात कर रहे हैं ओनली फॉर द रेक्टेंगुलर पल्स तो यहाँ पे अगर मैं रेक्टेंगुलर पल्स की बात कर रहा हूं तो उसका जो लो फ्रीक्वेंसी पे बैंडविड्थ था वो कितना है लो फ्रीक्वेंसी पे हाँ आरबी है अब जब आप इसको मॉड्यूलेट करोगे और जब एएसके यूज करोगे तब इसका बैंडविड्थ क्या हो गया हाँ शिफ्टिंग होगा तो उससे बैंडविड्थ में फर्क नहीं पड़ेगा बैंडविड्थ डबल नहीं हो जाएगा कल हमने यही देखा था हाँ तो ये समझ रहे हो क्या हो रहा है मैंने कल बताया था आपको कि अगर हम बात कर रहे हैं इवन इन केस ऑफ एएम तो एएम में भी यही हो रहा था कि अगर हमारे पास बीटा हर्ट्ज का सिग्नल है अगर हमने इसको मॉड्यूलेट किया है हाई फ्रिक्वेंसी पे ले जा रहे हैं तो उसका बैंडविड्थ ट्वाइस ऑफ बी हो जाएगा तो हमारा जो एएम भी था वो भी बैंडविड्थ एफिशिएंट नहीं था तो एएम का ही जो डिजिटल वर्जन है वो कौन है एएसके अभिषेक क्या ये बात से सहमत करोगे जो काम एएम कर रहा था वही काम एएसके कर रहा है मगर हाँ इन केस ऑफ एएम जो एम ऑफ टी था वो एनालॉग था बट इन केस ऑफ एएसके जो मैसेज है वो डिजिटल है यानी कि 0101 बिट स्ट्रीम है तो अगर एएम के अंदर बैंडविड्थ डबल हो रहा था कंपेयर टू बेस बैंड यहां भी कंपेयर टू मैसेज सिग्नल का ओरिजिनल मैसेज सिग्नल यहां भी क्या हो रहा है जब हम ट्रांसमिट करेंगे तो बैंडविड्थ डबल हो रहा है राइट तो अभिषेक इज इट वर्थ इट या ये काम का है या फिर लाइक इज इट अ वेस्ट ऑफ बैंड या अच्छा है ये ट्वाइस ऑफ बैंडविड्थ होना ओके बैंडविड्थ ज्यादा हो गया है राइट तो यानी अगर यहाँ पे कंपैरिजन करना हो अभिषेक अगर यहाँ पे कंपैरिजन करना हो तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम रेक्टेंगुलर पल्स को बेस बैंड में ट्रांसमिट करेंगे यानी कि अगर वायर्ड कम्युनिकेशन से ट्रांसमिट करेंगे तो हमें आरबी का बैंडविड्थ चाहिए मगर अब जब हम यूज करेंगे उसको वायरलेसली ट्रांसमिट करेंगे तो हमें ट्वाइस ऑफ आरबी चाहिए यानी कि डबल बैंडविड्थ चाहिए तो ये सबसे पहला कंक्लूजन निकल के आया राइट उसके बाद हमने देखा था इसका जनरेशन अभिषेक जनरेशन था वो काफ़ी सिंपल था कि डायरेक्टली आपका रिटर्न टू जीरो लाइन कोडिंग यूज करके वन के लिए मैपिंग करो 1 वोल्ट का और 0 के लिए मैपिंग करो 0 वोल्ट का और कैरियर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको सीधा ही क्या मिल जाएगा हाई फ्रिक्वेंसी पल्स मिल जाएगा फॉर ड्यूरेशन ऑफ टी और यहां से हमने देखा हुआ था कि स्पेक्ट्रम के ऊपर क्या होगा और इवन इसका रिसेप्शन क्या होगा राइट नाउ माय क्वेश्चन इज कि उसके बाद हमने बात किया था कि इसका अगर हम बात कर रहे हैं कि एनर्जी के बारे में तो मेन कंसेप्ट आता है अभी बैंडविड्थ भी निकाल लिया था हम लोगों ने
तो चलिए अब यहाँ पे ये बताओ मुझे अभिषेक कि एनर्जी के लिए अभी बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमने एनर्जी के लिए क्यों बात किया, हमने पावर के लिए बात क्यों नहीं किया यहाँ पे? हाँ अगर हम यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर यूज कर रहे हैं जो पीरियोडिक इन नेचर है, तो हमने पावर के लिए बात क्यों नहीं किया, हमने एनर्जी के लिए क्यों बात किया? अभिषेक ओके अब मुझे यहाँ पे ये बताओ कि जो आपका हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल है, इज इट पीरियोडिक, इज इट एवर लास्टिंग? नहीं, यहाँ पे जो पल्स हम भेज रहे हैं, फॉर ये बिट 0 के लिए एक होगा, 1 के लिए कोई एक कोसाइन होगा, तो मुझे ये बताओ क्या ये पीरियोडिक है पूरा, क्या ये रिपीट हो रहा है फ्रॉम माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट? नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे कॉस है, मगर कॉस जो है इट हैज बीन ट्रांसमिटेड फॉर फाइनाइट ड्यूरेशन, तो अगर ये कॉस भी ट्रांसमिट कर रहे हैं फॉर अ फाइनाइट ड्यूरेशन, तो इसका एनर्जी निकालेंगे ना कि हम इसका पावर निकालेंगे। सबसे पहले ये बात समझ लो कि एनर्जी निकालना होगा, तो एनर्जी निकालेंगे फॉर ए पीरियोडिक सिग्नल, तो बताओ क्या ये ए पीरियोडिक है? हाँ ऑब्वियसली ये ए पीरियोडिक है, हम फॉर फॉर द चंक ऑफ टी सेकंड्स वे ट्रांसमिटिंग समथिंग, राइट? हाँ ये समझ रहे हो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले ये था कि पहले जब हम बेस बैंड की बात कर रहे हैं, तो बेस बैंड के अंदर हम लोग रेक्टेंगुलर पल्स भेज रहे थे, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स था वो लो फ्रीक्वेंसी था। अब हमने क्या किया कि इसी रेक्टेंगुलर पल्स को मल्टीप्लाई कर दिया है विथ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर, जिसकी वजह से लो फ्रीक्वेंसी, जो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट था रेक्ट के अंदर, वो चला गया है हाई फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि हमने यहाँ पे अल्टीमेटली फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग ही किया है बाय मल्टीप्लाइंग आवर रेक्टेंगुलर पल्स विद अ कोसाइन, मगर जो कोसाइन है वो कोसाइन है फॉर द फाइनाइट ड्यूरेशन। आप यहाँ पे ये बात से सहमत हो कि जब हम एएसके की बात करेंगे, तो हमें अगर अगर एएसके है तो हमें यहाँ पे दो ही चीज ट्रांसमिट करनी है, आइदर 0 और 1, क्या आप लोग ये बात से सहमत हो? अगर हम एएसटी की बात कर रहे हैं, तो इन केस ऑफ एएसके हमें दो ही इंफॉर्मेशन भेजना है, आइदर सिंबॉल 1 और सिंबॉल 0, तो अभी हमें ये सोचना है कि ये दोनों सिंबल्स को भेजने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस पॉसिबल होने चाहिए। तो आई थिंक हमारे पास एक ही ऑप्शन होना चाहिए कि लाइक 1 के लिए हम कुछ सिग्नल भेज रहे हैं और 0 के लिए कुछ भी नहीं भेज रहे हैं, बोलिए हाँ कि ना। अगर हम यहाँ पे दो लेवल्स की बात करेंगे, क्योंकि ये दो टू टू एएसके है, तो इन केस ऑफ टू एएसके वी नीड टू डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स ऑफ अ कैरियर, तो अगर यहाँ पे हमारा इंफॉर्मेशन 1 या 0 ही है, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि 1 के लिए हम कुछ भेजेंगे और 0 के लिए हम कुछ नहीं भेजेंगे, राइट? तो जब भी हम बात कर रहे हैं एएसके के बारे में, तो हम एक फाइनाइट ड्यूरेशन का हाई फ्रीक्वेंसी कॉस सिग्नल भेजेंगे फॉर अ फाइनाइट ड्यूरेशन, और 0 के लिए हम कुछ भी नहीं भेजेंगे, बोलिए हाँ कि ना। तो यहां भी जब हम बात करेंगे आगे, तो आगे हमारे पास अब जो आएगा वो आएगा एनर्जी फॉर बिट 1 एज वेल एज एनर्जी फॉर बिट 0, तो हमने क्या किया था इंडिविजुअली। आप ये बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, या दिक्कत हो रहा है समझने में बेटा? हाँ इट काफी सिंपल है ना, कि अगर आप एज ए कम्युनिकेशन इंजीनियर हो, तो आपको आइधर 1 भेजना है या 0 भेजना है, तो अभी आपको ये सोचना है कि जब मैं 1 ट्रांसमिट कर रहा हूं, तब मैं कितना एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा हूं और कितना एनर्जी चाहिए, और जब मैं 0 ट्रांसमिट करूंगा, तो 0 ट्रांसमिट करने के लिए मुझे ये बताओ क्या आप 1 या 0 भेजोगे डायरेक्टली? क्या आप डायरेक्टली 1 या 0 भेजोगे? नहीं भेजोगे ना। आप क्या भेजोगे? 1 या 0 जो भी आपका लॉजिक है उसके अकॉर्डिंगली सिग्नल भेजोगे, आपका जो लॉजिक है 1 या 0 उसके अकॉर्डिंगली आप वोल्टेज भेजोगे या एक पल्स भेजोगे या एक सिग्नल भेजोगे। तो यहां पे क्या फर्क हो रहा है कि अगर यहां पे हम बात कर रहे हैं पास बैंड कम्युनिकेशन का, तो 1 के लिए हम लोग भेज रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर,
अब क्या ये कैरियर भेज रहे हैं, तो क्या ये कैरियर जो होगा वो होगा एवरलास्टिंग? क्या ये जो कैरियर होगा क्या होगा वो एवरलास्टिंग, यानी कि वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होगा? नहीं, हम भेज रहे हैं उसको फॉर अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ सेकेंड्स, और जीरो के लिए हम कुछ भी नहीं भेज रहे हैं। इसीलिए यहां हमारे पास जब एनर्जी की बात होती है तो एनर्जी दो होगी। कौन कौन सी होगी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट बिट वन एंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट बिट जीरो, राइट? तो हमने यहाँ पे एंड में ये कंक्लूड किया था कि अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट वन, जहाँ पे हम कुछ तो सिग्नल भेज रहे हैं, तो वो होगा आपका ए सी स्क्वायर टी बाई टू, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ कुछ नया करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा इसके ऊपर। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ फॉर दी कॉन्स्टोलेशन डायाग्राम। किसके लिए बात करने जा रहा हूं मैं बात करने जा रहा हूं फॉर दी कॉन्स्टलेशन डायग्राम। मेक सम नॉइस, किन किन लोगों ने सुना है इसके बारे में? किन किन लोगों ने सुना हुआ है इसके बारे में कॉन्स्टलेशन डायग्राम? किन किन लोगों ने सुना हुआ है इसके बारे में? ओके सुमित, कॉन्स्टलेशन डायग्राम। ओके क्रिस्टल, ओके एनीवन एल्स? चलिए, दो लोगों ने सुना हुआ है अबाउट दी कॉन्स्टलेशन डायग्राम। तो मेरा अभी क्वेश्चन आपसे ये है कि कॉन्स्टलेशन डायग्राम क्या होता है, क्या मालूम है आपको? सुमित, क्रिस्टल या तो फिर रितेश, सुमित, क्रिस्टल और रितेश, क्या आप कुछ बता पाओगे कि जो कॉन्स्टलेशन डायग्राम होता है वो अल्टीमेटली रिप्रेजेंट क्या करता है? लाइक यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सुमित, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, कुछ मालूम है क्या करता है कॉन्स्टलेशन डायग्राम? ओके, नहीं 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 नहीं, ओके चलिए, तो हम बात करते हैं। नहीं नहीं अभिषेक, पोल जीरो प्लॉट भी नहीं है। चलिए मुझे ये बताइए कि अगर हम बात कर रहे हैं, लाइक सबसे पहले थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा वेक्टर्स को। तो आई होप थोड़ा बहुत तो आपको मालूम है कि वेक्टर्स क्या होते हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यूनिट वैक्टर्स के बारे में, तो मुझे कौन बताएगा कि यूनिट वेक्टर्स जो होता है ये कंसेप्ट क्यों लाए हम लोग? जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई थिंक अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे पास होता है आई कैप, और फिर होता है जे कैप एंड के कैप। सो कैन यू टेल मी कि हम लोग यहाँ पे जो कंसेप्ट लेके आए हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप, तो ये क्यों लाए हैं? वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ओके। और जो आई कैप, जे कैप और के कैप है, इसको आप क्या बोलोगे? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलोगे या ऑर्थो नॉर्मल बोलोगे? किस किस को ये पता है कि डिफरेंस होता है ऑर्थोगोनल में और ऑर्थो नॉर्मल में, और क्या डिफरेंस होता है, किसको मालूम है क्या? ऑर्थोगोनल अलग है और ऑर्थो नॉर्मल अलग होता है। तो जो आपका आई कैप, जे कैप और के कैप है, इसको आप क्या बोलोगे? ऑर्थोगोनल बोलोगे या ऑर्थो नॉर्मल बोलोगे? हाँ बेटा, ओके ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, ऑर्थो नॉर्मल, ओके सुमित करो, अनम्यूट करो। आपने इसको ऑर्थो नॉर्मल क्यों बोल दिया सुमित? ओके, तो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर ऑर्थो नॉर्मल? एग्जैक्टली सुमित ने बिल्कुल सही बोला कि अगर हम बात कर रहे हैं कि ऑर्थोगोनल में फर्क क्या है और ऑर्थो नॉर्मल में फर्क क्या है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे कोई एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ टू आई कैप एंड थ्री जे कैप, तो बताइए क्या ये दोनों ऑर्थोगोनल है या ऑर्थो नॉर्मल है? टू आई कैप एंड थ्री जे कैप, ये ऑर्थोगोनल है या ऑर्थो नॉर्मल है? तो आप लोग बोलोगे सर ये ऑर्थोगोनल है। क्यों?
क्योंकि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है वो पाई बाई टू का है, राइट। तो ये ऑर्थोगोनल होता है, मगर जो ऑर्थोनॉर्मल होता है, तो ऑर्थोनॉर्मल के अंदर जो कंडीशन है वो ये है कि ऑर्थोनॉर्मल कब होगा कि जब आपका वेक्टर है उसका एक तो जो लेंथ होगा वो लेंथ आपका वन है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो वन है, और जो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जब भी ये होगा तब हम बोलेंगे कि वेक्टर्स आर ऑर्थोनॉर्मल। क्या ये बात क्लियर है आप सबको? अगर मैं यहाँ पे एक नोट करके ये टॉपिक लिख रहा हूँ कि अगर हम बात कर रहे हैं ऑर्थोनॉर्मल के बारे में, तो ऑर्थोनॉर्मल के लिए दो कंडीशन क्या होगी, ऑर्थोनॉर्मल जो वेक्टर्स होंगे उसके लिए कंडीशन क्या होगी, सो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। तो बताइए यहाँ पे दो कंडीशंस कौन कौन सी होंगी फॉर ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। तो सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, वेक्टर्स मस्ट बी, आई मस्ट से वेक्टर्स मस्ट बी ऑर्थोगोनल, वेक्टर्स मस्ट बी ऑर्थोगोनल। एंड सेकंड से लेंथ ऑफ वेक्टर, आई कैन से लेंथ ऑफ वेक्टर्स मस्ट बी वन। इसीलिए बोलते हैं इसको ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। बोले हाँ कि ना, बिकॉज इनका जो लेंथ है वो लेंथ नॉर्मलाइज्ड है, इनका जो लेंथ है वो नॉर्मलाइज्ड है, राइट। सो नाउ लेट मी नो कि अगर हम बात कर रहे हैं ये पूरा ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स के बारे में, तो इसका कंसेप्ट क्यों आया है, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स का कंसेप्ट क्यों आया है, व्हाट डू यू थिंक। अगर मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे कोई एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि सपोज हमारे पास यहाँ पे ये ऑर्थोगोनल वेक्टर स्पेस है, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर स्पेस है, तो यहाँ पे हम लेंगे कि यहाँ पे दो डायरेक्शन है हमारे पास, ये सर एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। तो चलिए बताइए हम यहाँ पे आई कैप और जे कैप को डिफाइन क्यों करते हैं, इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, हम लोग आई कैप और जे कैप को यहाँ डिफाइन क्यों करते हैं, इससे फ़ायदा क्या होगा। हाँ हाँ अभिषेक अनम्यूट कीजिए, सॉरी सुमित अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बताइए। एग्जैक्टली जो हमने ऑलरेडी फोरियर सीरीज में भी पढ़ा है, इन केस ऑफ फोरियर सीरीज क्या होता है, हम कोई भी सिग्नल को रिप्रेजेंट कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ वेटेड ऑर्थोगोनल सिग्नल्स। बोले हाँ कि ना, यानी वो कंसेप्ट यहाँ से ही निकल के आया था। अगर मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ फॉर दी टू डायमेंशनल वैक्टर स्पेस की, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ बात कर रहा हूँ टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की, तो मुझे ये बताओ टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के अंदर क्या आप किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप, क्या ये पॉसिबल है, किसी भी वेक्टर को जो टू डायमेंशन में है वैसा कोई भी वेक्टर होगा, क्या आप उसको रिप्रेजेंट कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। ये क्यों कर पाओगे बिकॉज वी हैव क्रिएटेड अ सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर्स। बोले हाँ कि ना, ये हम इसलिए कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे जो आई कैप और जे कैप है उसको क्या बोलते हैं, आई कैप और जे कैप को बोलते हैं इसको बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ बेसिस वेक्टर्स। बोलिए हाँ कि ना, ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ बेसिस वेक्टर्स। बेसिस क्यों होगा, क्योंकि इसी के फॉर्म में हम लोग सबको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये होगा हमारा बेसिस वेक्टर्स। तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट को अब हम यहाँ पे यूज करेंगे टू क्रिएट कॉन्स्टोलेशन डायग्राम। अब ये होता क्या है मैं आपको बिल्कुल समझाता हूँ, मगर पहले मुझे ये बताओ क्या आप सब लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस वेक्टर्स जो होता है इसके टर्म्स में हम किसी भी टू डायमेंशनल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, बराबर है। सो आई थिंक बराबर है।
अगर मैं यही चीज को ले जा रहा हूं फॉर सिग्नल्स, अगर मैं यही चीज ले जा रहा हूं फॉर सिग्नल्स, तो अगर मैं बात कर रहा हूं तो मुझे ये बताइए कि अगर यहां पे मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं तो मुझे ये बताओ कि यहां पे जो ASK था, तो इन केस ऑफ ASK सॉरी एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट वन कितना आया था हमारा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट वन कितना आया था, किसी को याद है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट वन कितना आया था? आई थिंक इट वॉज ए स्क्वायर टी बाई टू। बोलिए हाँ कि ना। मगर मुझे ये बताओ कि जब हमने वन ट्रांसमिट किया था, तब हमने ट्रांसमिट क्या किया था, लाइक वन को हम कैसे ट्रांसमिट कर रहे हैं, वन के लिए हम लोग क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं जब हम बिट वन कर रहे हैं? नहीं, हम क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं, क्या हम एसी कॉस ऑफ टू पाई एफ सी डी ट्रांसमिट कर रहे हैं? बोलिए हाँ कि ना। क्या हम यहां पे एसी कॉस ऑफ टू पाई एफ सी डी ट्रांसमिट कर रहे हैं फॉर टी सेकंड्स, राइट? तो अब मुझे यहां से ये बताओ, क्या यहां पे मैं एसी को अगर रिप्लेस कर रहा हूं तो क्या मैं एसी को लिख सकता हूं, यहां पे अगर एसी है तो क्या मैं एसी को लिख सकता हूं इट्स अ रूट ट्वाइस ऑफ ई बी डिवाइड बाय टी। बोलिए हाँ कि ना। तो अगर मैं ये लिख सकता हूं तो यहां पे जब मैं वन को ट्रांसमिट करूंगा तो क्या मैं इसको ये ले सकता हूं, आई रिप्लेस एसी विथ रूट ऑफ ट्वाइस ई बी डिवाइड बाय टी इंटू कॉस ऑफ टू पाई एफ सी टी। बोलिए क्या किसी को इसमें डाउट है, क्या किसी को यहां पे कुछ भी डाउट है या कंफ्यूजन है? मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने क्या किया है कि जो आपका एसी है मैंने एसी को रिप्लेस कर दिया है विथ रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ ई बी बाई टी, राइट? चलिए अब ये जो वन को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, यहां पे मैं इसको लिख रहा हूं लाइक दिस। तो ये हो गया आपका ई बी, ये हो गया है आपका ई बी, ये हो गया आपका ई बी, और साथ में हमारे पास क्या बचेगा, तो भैया हमारे पास बच रहा है रूट टू बाई टी कॉस ऑफ टू पाई एफ सी डी। बोलिए हाँ कि ना। हमारे पास बच रहा है कॉस ऑफ टू पाई एफ सी डी, राइट? तो चलिए अब मुझे ये बताइए कि यहां पे जो रेड कलर का फंक्शन है, क्या आप उसका एनर्जी निकाल सकते हो? चलिए निकालिए एनर्जी उसका, मैं वेट कर रहा हूं यहां पे। एनर्जी ऑफ रूट टू बाई टी कॉस ऑफ टू पाई एफ सी डी, कंसिडरिंग इंडियन नंबर ऑफ साइकल्स खत्म हो रहे हैं कॉस के इन अ टी सेकंड्स, ओके देवेंद्र, गुड मैत्री। चलिए बाकी सब लोग बताइए मुझे क्या आ रहा है। एनर्जी ऑफ दिस गुड हैरम गुड। इसका एनर्जी क्या आ रहा है? क्या सबका आंसर यही आ रहा है एनर्जी का?
क्या इसका एनर्जी सबका वन आ रहा है? सुमित इज सेइंग वन, हैरम इज सेइंग वन, बाकी सब लोग वेरीफाई कीजिए, क्या इसका एनर्जी वन आ रहा है? हाँ, क्या सबको ये मिल रहा है? इसका एनर्जी वन हो रहा है सबका? ये जो पल्स मैंने यहाँ पे लिखा है, पल्स तो नहीं है, ये जो सिग्नल मैंने यहाँ पे लिखा है √2/T cos ऑफ 2π fcd, क्या इसका एनर्जी सबका वन हो रहा है? नेहा, श्रद्धा, रितेश, क्या सबका एनर्जी वन हो रहा है? क्या मैं प्रूव करूँ इसको, या हो रहा है सबका वन? हाँ, सबका वन हो रहा है ना। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ कि ये है हमारा यूनिट एनर्जी सिग्नल, बोलिए हाँ कि ना। तो क्या मैं ये जो यूनिट एनर्जी सिग्नल है, क्या मैं उसको मैं मेरा वन डायमेंशन गिन सकता हूँ? जैसे कि यहाँ पे जो था, यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे जो आई कैप है, क्या वो हमारा वन डायमेंशन है? हाँ। जे कैप है, क्या वो वन डायमेंशन है? हाँ। मगर जो आई कैप है उसका प्रॉपर्टी क्या है? उसका लेंथ जो है वो यूनिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे कि जो भैया एनर्जी है वो एनर्जी यूनिट होना चाहिए। तो क्या इसका एनर्जी यूनिट है? हाँ, बिल्कुल यूनिट है। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कॉन्स्टोलेशन डायग्राम का, तो यहाँ पे इन केस ऑफ कॉन्स्टोलेशन डायग्राम हमारा जो एक एक्सिस है यहाँ पे, वो एक एक्सिस क्या है? यहाँ पे जो सिंगल एक्सिस हमने लिया है, तो बताइए यहाँ पे जो ये एक्सिस दिख रहा है, ये एक्सिस किसका है? ये एक्सिस किसका लेंगे हम लोग? ये एक्सिस लेंगे हम लोग यूनिट एनर्जी सिग्नल का। तो बताओ यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे यूनिट एनर्जी सिग्नल कौन है? तो क्या वो रूट ऑफ T/2 कॉस ऑफ 2π fcd है? बोलिए हाँ कि ना। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है, वो कौन है आपका? रूट ऑफ 2/T कॉस ऑफ 2π fcd। क्या मैं इसको ले सकता हूं एज आई कैप? अगर मैं वेक्टर्स और सिग्नल्स की बात कर रहा हूं, तो जैसे वेक्टर्स में होता है हमारा आई कैप, वैसे ही यहां पे ये किसका एक्सिस है बेटा? ये एक्सिस है एनर्जी का, मगर मुझे ये बताओ, इन केस ऑफ एनर्जी अगर हम इसको ले रहे हैं रूट ऑफ 2/T cos of 2π fcd, तो इसका एनर्जी क्या है बेटा? ये जो सिग्नल है उसका एनर्जी वन है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम किसी भी सिग्नल का एनर्जी इन टर्म्स ऑफ स्केल्ड वर्जन ऑफ यूनिट एनर्जी सिग्नल लिख पाएंगे। बोलिए हाँ कि ना। हम किसी भी सिग्नल का जो एनर्जी होगा, इसको हम लिख पाएंगे एज ए स्केल्ड वर्जन ऑफ यूनिट एनर्जी सिग्नल, बराबर। तो चलिए अब मुझे यहाँ पे ये बताइए कि अगर हमारे पास यहाँ पे यूनिट एनर्जी फंक्शन अवेलेबल है, तो अब मुझे ये बताइए कि हम यहाँ बात करेंगे जस्ट फॉर दी बिट की ही बात करेंगे। हाँ, तो अब मुझे यहाँ पे ये बताइए, तो क्या मैं यहाँ पे ये ले सकता हूँ, मेरी बात सुनिएगा, क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि जब हम वन ट्रांसमिट करेंगे तो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं √eb इंटू यूनिट एनर्जी सिग्नल। बोलिए हाँ कि ना। उसके साथ हम लोग क्या भेज रहे हैं? हम भेज रहे हैं यूनिट एनर्जी सिग्नल। और जब हम यहां पे जीरो ट्रांसमिट कर रहे हैं, तब क्या भेज रहे हैं?
तब हम कुछ भी नहीं भेज रहे हैं, बराबर। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो यूनिट एनर्जी है, ये जो हमारा एक्सिस है, ये है हमारा रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ टी कॉस ऑफ टू पाई एफ सी डी, यानी कि ये है हमारा यूनिट एनर्जी। तो अब मुझे ये बताओ, जब हम वन ट्रांसमिट करेंगे, जब हम बिट वन ट्रांसमिट करेंगे, तो उसको हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्या हम ये बिट वन को रिप्रेजेंट करेंगे कि ये जो है वो है आपका रूट ई बी, रूट ई बी, और साथ में हम लोग क्या भेजेंगे, साथ में हम लोग भेजेंगे रूट ई बी इन टू दिस यूनिट एनर्जी सिग्नल, जो है आपका रूट ऑफ टू बाई टी कॉस ऑफ टू पाई एफ सी टी। और जीरो के लिए क्या भेजेंगे, जब हम बिट जीरो ट्रांसमिट करेंगे तब क्या भेजेंगे, जब हम बिट जीरो ट्रांसमिट करेंगे तब क्या भेजेंगे, हम जीरो ही भेजेंगे, राइट। तो ये हो गया आपका कॉन्स्टेलेशन डायग्राम, ये हो गया आपका कॉन्स्टेलेशन डायग्राम फॉर टू एएसके। समझ रहे हो ये क्या है, ये है आपका कॉन्स्टेलेशन डायग्राम फॉर टू एएसके। अब आपको क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं फॉर दी टू एएसके, तो आपका जो कॉन्स्टेलेशन डायग्राम है, यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या क्या निकल के आता है, यहाँ से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। तो सबसे पहले तो अगर हम कॉन्स्टेलेशन डायग्राम की बात करेंगे, तो चलिए मुझे ये बताइए, जो मैंने फॉर्म किया है, जो मैंने कॉन्स्टेलेशन डायग्राम फॉर्म किया, बनाया, क्या समझ में आया आपको, मैंने कैसे बनाया? ये जो एक्सिस है या जो ये जो लाइन है, ये लाइन किसका है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये लाइन जो है ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा रूट टू टी, रूट टू टी कॉस ऑफ टू पाई एफ सी टी। ये जो लाइन है ये लाइन रिप्रेजेंट करेगा रूट ट्वाइस ऑफ टी कॉस ऑफ टू पाई एफ सी टी। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो सिग्नल है हमने निकाला, इसका एनर्जी वन है, इसलिए ये बनेगा हमारा एक एक्सिस, ये पूरा एक एक्सिस बन गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर मैं वन ट्रांसमिट करूंगा तो मैं ट्रांसमिट करूंगा रूट ई बी इन टू ये वाला सिग्नल। तो क्या ये सही हो गया, हम ग्राफ से ये बोल पाएंगे ना कि हम क्या भेजेंगे, वन के लिए भेजेंगे रूट ई बी इन टू रूट ऑफ टू टी कॉस ऑफ टू पाई एफ सी टी, बोले हाँ कि ना। और जीरो के लिए हम लोग भेजेंगे जीरो इन टू दिस, तो जीरो ही भेजेंगे, बराबर है। हाँ, अगर ये समझ रहे हो तो मुझे ये बताओ कि ओरिजिन से डिस्टेंस जो है, अगर मैं इसका स्क्वायर ले रहा हूँ, इसको मैं ले रहा हूँ डी फॉर वन, ओरिजिन से अगर मैं वन का, ये कॉन्स्टेलेशन डायग्राम है, मैं ये आपको ये सिखा रहा हूँ कि कॉन्स्टेलेशन डायग्राम आपको कैसे रीड करना है। तो अब मुझे ये बताओ, ओरिजिन से जो वन बिट है उसके लिए जो डिस्टेंस आएगा ये कितना होगा, ओरिजिन से जो वन है कॉन्स्टेलेशन डायग्राम के अंदर, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ये डिस्टेंस कितना है बेटा, ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना है, ग्रेट। ये जो डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस आपका रूट ई बी है, बोले हाँ कि ना, क्या ये डिस्टेंस आपका रूट ई बी है। अच्छा, और जो जीरो है उसके लिए डिस्टेंस कितना है, अगर हम बिट जीरो की बात कर रहे हैं तो उसके लिए डिस्टेंस कितना है, जीरो है, बराबर है। तो अब मुझे यहां पे ये बताओ कि अगर मैंने ये डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एनर्जी टू ट्रांसमिट वॉट रिस्पेक्टिव बिट, बोलिए हाँ कि ना। मुझे डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट रिस्पेक्टिव बिट, बोलिए हाँ कि ना। तो चलिए, जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि डिस्टेंस, नॉट अ डिस्टेंस,
square of distance from origin to respective bit on a constellation diagram क्या करेगा represent constellation diagram represents energy required to transmit that bit. बोलिए हाँ कि ना, क्या ये बात समझ रहे हो आप लोग? कॉन्स्टेलेशन डायग्राम के अंदर जब भी हम डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या देगा आपको? वो देगा आपको एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट दैट बिट, राइट? ये पहला कंक्लूजन सबको समझ में आया? ये जो पहला कंक्लूजन है, क्या ये सबको समझ में आया? अगर समझ में आया है तो एक और यहाँ पे डाउट है, सॉरी एक और यहाँ पे क्वेश्चन है कि अब यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, क्या मैं इसको ले सकता हूं कि ये जो है इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन 1 and 0 यानी कि हम 0 के लिए ट्रांसमिट कर रहे हैं 0 और 1 के लिए ट्रांसमिट कर रहे हैं रूट ई बी इंटू रूट ऑफ 2/T कॉस ऑफ 2πfct. तो जब रिसीव होगा तब भी आई में से ये जो है वो क्या है, डी मिनिमम है. लाइक दोनों बिट्स के बीच का डिस्टेंस है. सो व्हाट डू यू थिंक, ये डिस्टेंस जितना कम होगा उतना अच्छा होगा फॉर एरर, या ये डिस्टेंस जितना दूर हो उतना अच्छा होगा टू रिड्यूस एरर? आप समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? हाँ, जितना दूर होगा उतना अच्छा होगा. ये जो डी मिनिमम है, हाँ, हालांकि यहां पे जो डी मिनिमम है वही हमारा D1 है, बराबर. जो डी मिनिमम है वही यहाँ D1 है. तो यहाँ पे जो डी मिनिमम है इट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सिंबल्स. D1 डी मिनिमम रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बीट्स. तो ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा. मगर व्हाट डू यू थिंक, अगर हमने बहुत ज्यादा किया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर हमने इन दोनों को बहुत दूर बिठा दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? बैंडविड्थ नहीं बेटा, सोच के बताओ, सोच के बताओ. सभी आंसर्स यहीं पे हैं. यहां बैंडविड्थ का जिक्र ही कहां हो रहा है अभिषेक? एग्जैक्टली, एनर्जी ज्यादा ट्रांसमिट करना पड़ेगा. बहुत सही बोल रहे हो अभिषेक और श्रद्धा, आप दोनों ने ये बिल्कुल सही बोला. आपका एनर्जी का वेस्टेज होगा. क्या ये समझ रहे हो आप लोग? हाँ, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को बहुत बहुत दूर भेजोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, आप एक्स्ट्रा एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हो. बोलिए हाँ कि ना बेटा, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, आप सब लोग समझ पा रहे हो. जो सेकंड कंक्लूजन यहां निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि ये क्या है, यहां पे है कि जो डी मिनिमम है ये क्या बोलता है, डी मिनिमम सो इट रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बिट्स
इफ इट इज लार्ज तो हम क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज क्या होगा, इफ इट इज लार्ज एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज लेस, बोलिए हाँ कि ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज लेस, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज रिड्यूस्ड, क्या आप सब लोग ये समझ रहे हो मैं बोल रहा हूँ वो, तन्वी आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो अगर हम बात कर रहे हैं कि जो कॉन्स्टोलेशन डायग्राम है वो कॉन्स्टोलेशन डायग्राम क्या होगा, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हम 1 को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो 1 के लिए हम क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं और 0 के लिए हम लोग क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं। हमें यहाँ पे ये मालूम पड़ा है कि हमारे पास जो एक सिग्नल है जो है रूट ऑफ ट्वाइस 2/T कॉस ऑफ 2πfct, ये हमारा यूनिट एनर्जी सिग्नल है। तो उसके बाद जो भी हम ट्रांसमिट करेंगे फॉर 1 और 0 उसको हम इसी के टर्म्स में लिख रहे हैं, बोलिए हाँ कि ना, राइट। तो क्या मैं आपको एग्जांपल दूं इसका एग्जांपल दूं मैं आपको तो आपको थोड़ा बहुत और समझ में आएगा। हाँ चलिए एक एग्जांपल देता हूं आपको, दो एग्जांपल करते हैं यहां पे, सो दैट इट वुड बी क्लियर टू यू कि अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि सपोज मेरे पास कॉन्स्टोलेशन डायग्राम है। अब आप लोग मुझे बताओगे कि ये कॉन्स्टोलेशन डायग्राम जो है वो किसका है, है ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा आप लोग मुझे बताओगे। तो ये कॉन्स्टोलेशन डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो चलिए आप लोग मुझे हेल्प कीजिएगा कि ये किसका है। ओके सो व्हाट डू यू थिंक, ये किसका होगा, ये किसका हो सकता है कॉन्स्टोलेशन डायग्राम, ये किसका हो सकता है, यानी कि ये 2As के है या क्या है, मैं ये पूछ रहा हूं, ये 2As के है या 4As के है या 8As के है, व्हाट डू यू थिंक। अच्छा 4As के कैसे मालूम पड़ा, 4As के है कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्स्टोलेशन है ना, तो ये कॉन्स्टोलेशन में हमारे पास यहाँ पे 4 बिट्स हैं, यहाँ पे आपको 4 अलग अलग लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं आपको 4 अलग अलग लेवल्स, आपको यहाँ पे 4 अलग अलग वोल्टेज लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं इसको सॉल्व, ये आपका -3, ये आपका -1, ये 1 एंड ये 3, ये आपका सिंबल, ये जो सिंबल है ये सिंबल S1 है, ये सिंबल S2 है, ये सिंबल S3 है, ये सिंबल S4 है, राइट, और ये रहा आपका सेंटर। तो एक ये एग्जांपल है, लाइक ये जो है वो है कॉन्स्टोलेशन फॉर सिस्टम ए, ये है फॉर सिस्टम ए, यानी कि यहाँ पे हमने यूज़ किया है कोई एक AS के, तो इसको मैं पाम भी बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ, तो ये 4AS के है, मगर ये मेरा एग्जांपल 1 है, ये मेरा एग्जांपल 1 है। और एक और ऐसा ही एग्जांपल ले रहा हूँ जहाँ पे आप लोग बताइएगा मुझे सब कुछ फाइंड करके कि इवन व्हाट डू यू थिंक कि कौन सा वाला सिस्टम अच्छा है, राइट, सब कुछ समझ के आपको सब कुछ मुझे बताना है। एक बार ये समझ लो कि ये क्या होता है कॉन्स्टोलेशन डायग्राम, सो दैट यू कैन सॉल्व न्यूमरस क्वेश्चंस ऑन कॉन्स्टोलेशन डायग्राम, राइट। चलिए तो सेकंड इज के, सो इट इज दिस, चलिए तो हमारे पास यहाँ पे दो ऐसे सिस्टम्स हैं, दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, वन टू थ्री फोर, ये सभी वोल्टेज लेवल्स हैं, है ना। चलिए तो ये हो गया आपका S1,
ये हो गया एस वन, ये हो गया एस टू, ये हो गया एस थ्री और ये हो गया एस फोर। तो चलिए ये भी कौन है भाई, ये भी आपका फोर ए एस के है, ये भी आपका फोर ए एस के है और ये मेरा सिस्टम टू है, राइट, ये मेरा सिस्टम टू है। तो चलिए बताइए इन केस ऑफ सिस्टम वन, इन केस ऑफ सिस्टम वन कैन यू फाइंड एनर्जी फॉर एस वन एस टू एस थ्री एस फोर, चलिए बताइए एनर्जी टू ट्रांसमिट, एनर्जी टू ट्रांसमिट एस वन एस टू एस टू एस थ्री एस फोर क्या होगा। हैं ये सिंपल है, ये तो फॉर द फर्स्ट केस एनर्जी टू ट्रांसमिट एस वन एस टू एस थ्री एस फोर क्या होगा। मेरा आवाज आ रहा है आप सबको? हाँ आवाज चालू है। हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अच्छा मुझे ये बताओ अगर हम इसको अभी निकाल देते हैं, इसको निकाल देते हैं और इसको ले जाते हैं ऑन द न्यू पेज, सो अगर मैं यहां एग्जांपल की बात कर रहा हूं, ओके अभिषेक 9119, तो ओके मुझे यहां पे ये बताओ बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर मैं यहां बोल रहा हूं कि बताओ S1 के लिए हम लोग क्या ट्रांसमिट करेंगे, तो आप लोग क्या बोलोगे, S1 के लिए आप लोग क्या ट्रांसमिट करोगे, तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग S1 के लिए क्या ट्रांसमिट करोगे, माइनस थ्री रूट ई बी। नहीं बेटा मुझे ये बताओ S1 के लिए क्या, ये तो रूट ई बी हो गया ना। नहीं बेटा क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं माइनस थ्री, माइनस थ्री रूट टी टू बाई टी कॉस ऑफ टू पाई एफ सी टी, क्या मैं ये लिख सकता हूं। मैंने पहले ही बताया आपको हाँ समझ रहे हो, माइनस थ्री रूट ऑफ टू बाई टी कॉस ऑफ टू पाई एफ सी टी। यहाँ पे मुझे बताओ हम लोग क्या भेज रहे थे, हम यहाँ भेज रहे थे वन के लिए रूट ई बी, ये जो पॉइंट है वो इनटू यूनिट एनर्जी सिग्नल। तो अब मुझे ये बताओ अगर यहाँ पे आप लोग एस वन को भेज रहे हो तो नाउ कैन यू फाइंड इसका एनर्जी, अगर निकालोगे तो एकदम सिंपल हो गया ना, क्योंकि आपको ये पता है कि इसका एनर्जी तो वन है, बाकी बचा माइनस थ्री का एनर्जी। तो मुझे ये बताओ क्या आप सीधा नहीं बोल पाओगे कि एनर्जी टू ट्रांसमिट एस वन वो नाइन हो जाएगा। एक बार आप मैथ से भी प्रूव कर लो, आपको जो कॉन्स्टेलेशन डायग्राम है वो पूरा ये इंफॉर्मेशन देगा। क्या ये समझ रहे हो? हाँ क्या आप लोग ये समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जो कॉन्स्टेलेशन डायग्राम है वो आपको सीधा ही ये इंफॉर्मेशन देता है कि ओरिजिन से डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो आपको एनर्जी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप यहां पे S1 को ट्रांसमिट करने के लिए क्या भेजने वाले हो, आप भेजोगे माइनस थ्री रूट ऑफ टू बाई टी कॉस ऑफ टू बाई एफ सी टी। हाँ अभिषेक बताओ, अनम्यूट कीजिए अपने आपको। यानी जीरो वोल्टेज लेवल। हाँ नहीं भेज रहे हैं। अगर यहां पे अगर ये पर्टिकुलर एग्जांपल की बात कर रहा हूं तो यहां पे ऐसा हो सकता है कि जीरो जीरो सिंबल के लिए हम एस वन भेज रहे हैं, जीरो वन सिंबल के लिए हम ये भेज रहे हैं, वन जीरो सिंबल के लिए हम ये भेज रहे हैं और वन वन के लिए हम ये भेज रहे हैं। क्या समझ पा रहे हो पूरा प्रोसेस?
मुझे आपसे ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए, मुझे ये फीडबैक चाहिए कि आप कम्युनिकेशन समझ रहे हो, लाइक आर वी गोइंग वेरी स्लो या फिर बराबर पेस में जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं हर रोज अपने आप से यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या कुछ कन्वे कर पा रहा हूँ या नहीं कन्वे कर पा रहा हूँ, या क्या मैं आपको बहुत बहुत ये रिग्रेसली ये अंदर ले जा रहा हूँ सब्जेक्ट के अंदर, बट लाइक व्हाट डू यू थिंक, कुछ बताओगे मुझे, मेरे से बात करोगे? हाँ लाइक ये फोर्थ ईयर वाले हैं क्या, समझ पा रहे हो आप लोग, सुमित और ये सब? हाँ श्रद्धा, क्रिस्टल, मैत्री, क्योंकि आप लोगों ने ये शायद कॉलेज में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, बट आई थिंक कंसेप्ट्स इतने पता नहीं थे। तो क्या अभी आप लोग कंसेप्ट समझ पा रहे हो कि ये क्यों पढ़ा था और कैसे पढ़ा था? हाँ तो ये चल रहा है ना, ये समझ रहे हो ना? हाँ हाँ सुमित, आपको जल्दी आता है ना समझ में, क्योंकि आपने शायद कॉलेज में ये सब कुछ अच्छे से ढंग से किया होगा, कॉलेज में आप शायद रिकॉल ही कर रहे हो ये सभी चीज़ें, है ना सुमित? अच्छा ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो देखो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ ऐसा नहीं है ना सुमित कि हम लोग कुछ भी कर रहे हैं। हाँ सुमित, लाइक मेरा हर बार कंसर्न यही होता है कि लाइक आप लोग क्या समझ पा रहे हो ना ये जो कर रहे हैं वो, बिकॉज क्वेश्चंस इसी के ऊपर आते हैं। हाँ हाँ ओके चलिए, अगर हम S2 की बात कर रहे हैं तो बताओ S2 के लिए क्या होगा, अभी बताओ S2 के लिए क्या होगा, S2 के लिए हम लोग क्या भेजेंगे? एग्जैक्टली एनर्जी वन होगा, मगर ट्रांसमिट क्या करेंगे, हम ट्रांसमिट करेंगे माइनस वन रूट ऑफ टू बाई टी। आपको बहुत सारे रेफरेंस बुक में सीधा आपको ट्रांसमिशन यही मिल जाएगा, वहां पे एसी वेसी नहीं लिखेंगे, वहां पे सीधा यही लिखेंगे रूट ऑफ टू बाई टी कॉस ऑफ टू पाई एफ सी डी। क्यों? बिकॉज ये पता है यूनिवर्सली कि ये जो है ये यूनिट एनर्जी सिग्नल है, बराबर कि नहीं, ये यूनिट एनर्जी सिग्नल है, इसीलिए आपको बहुत सारे रेफरेंस बुक में सीधा क्या मिल जाएगा कि जब वन ट्रांसमिट कर रहे हैं तब हम ट्रांसमिट कर रहे हैं रूट टू बाई टी कॉस ऑफ टू पाई एफ सी डी, बराबर है, बराबर है। चलिए तो अगर ऐसे ही आप लोग अगर करते जा रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहीं से मिल जाएगा कि एनर्जी, एनर्जी फॉर एस थ्री, एनर्जी फॉर एस थ्री वन हो जाएगा, और जो एनर्जी ऑफ एस फोर है, एनर्जी फॉर एस फोर है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नाइन। तो बताइए क्या यहां पे आप एवरेज एनर्जी फाइंड कर सकते हो, एवरेज एनर्जी फाइंड कर सकते हो, बताइए क्या होगा एवरेज एनर्जी, यहां पे एवरेज एनर्जी क्या होगा? नेहा सोच के बताओ ना, आपको एवरेज निकालना है बेटा। हाँ एग्जैक्टली एवरेज एनर्जी 5 जूल होगा, बोलिए हाँ कि ना, एवरेज एनर्जी 5 जूल होगा, राइट राइट बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए अब मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं, तो मुझे यहां पे ये बताओ यहां पे क्या आप लोग फटाफट से निकाल पाओगे क्या होगा? चलिए अच्छा देवेंद्र, अच्छा अनम्यूट कर मेरी बात सुन देवेंद्र। हाँ तो इसको ऐसे समझ के हम लोग इसको भेज रहे हैं वो हमारा एसी कॉस ऑफ टू पाई एफ सी टी ही है, मगर अब जो एसी है एसी की जगह पे हम लोग भेज रहे हैं माइनस थ्री रूट ऑफ टू बाई टी। तो हमारा जो एम्पलीट्यूड था जो हम ट्रांसमिट कर रहे थे वो बदल गया है देवेंद्र। हाँ बेटा 180 का फेस शिफ्ट है ना, सेम नहीं है? हाँ
नहीं यानी कि देवेंद्र, वो तो हमने मैंने आपको ये दिखाने के लिए बताया था कि नॉइस को कम कैसे करेंगे, मगर जब रिसीव होगा तो साथ में एनर्जी मल्टीप्लाई होता ही है ना। यानी आप जो वो डेरिवेशन की बात कर रहे हो जहाँ आपने डिवाइड किया था वो एनर्जी से, मगर जो रिसीव्ड बिट होगा वो रिसीव्ड बिट क्या होगा आपका, ये पूरा का पूरा पल्स होगा और ये एम्पलीफाई हो जाएगा इसका एनर्जी निकालने। अच्छा आप ये बोल रहे हो कि एनर्जी निकालेंगे तो फिर नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, आप ये बोल रहे हो देवेंद्र कि जब ये पास होगा थ्रू ये आपका क्या बोलते हैं डिटेक्टर मैच फिल्टर, मगर बेटा इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैच फिल्टर ये जो है ना यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे जहाँ फेज शिफ्ट भी हो रहा है, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे वो कोहरेंट डिटेक्टर। अब मुझे ये बताओ देवेंद्र, जब हम यहाँ पे कोहरेंट करेंगे तब तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ कॉस, देवेंद्र इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ कॉस यानी कि हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे विथ कॉस, अब उसको पास करेंगे थ्रू लो पास फिल्टर तो क्या वहां मुझे मिल जाएगा फेज शिफ्ट। हाँ तो दो अलग अलग है, कोहरेंट है और नॉन कोहरेंट है। जब भी फेज शिफ्ट होगा देवेंद्र तो वहां पे कोहरेंट कोहरेंट ही चलेगा, वहां सिंक्रोनस ही चलेगा, वहां पे नॉन कोहरेंट यानी कि मैच फिल्टर नहीं चलेगा। देवेंद्र समझ रहा है? हाँ जो तेरा डाउट था वो बिल्कुल वैलिड था, मगर वहां पे कोहरेंट नहीं चलेगा, राइट? क्लियर है बेटा? बढ़ू मैं आगे? हाँ मैं दिखाऊंगा, रिसेप्शन दिखाऊंगा आपको। हाँ अब मुझे ये बताओ, अगर मैं ये सेकंड एग्जांपल की बात कर रहा हूं तो चलिए मुझे फटाफट से यहां पे बताओ कि यहां पे एनर्जी क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर S1। चलिए फटाफट से बताओ, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर S1 वन, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर S2, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर S2 कितना होगा? एग्जैक्टली अब मुझे लास्ट में बताओ कि यहां पे ये कितना होगा, एवरेज एनर्जी कितना होगा, एवरेज एनर्जी कितना होगा। आपको आपका आंसर मैं कुछ कुछ पूछता हूं आपको, 7.5 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहां पे अगर बात कर रहे हैं एवरेज एनर्जी का तो वो हो जाएगा 7.5। बट नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू पीपल इज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कहां ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कहां ज्यादा है, ये वाले केस में या ये वाले केस में? प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ज्यादा कहां है? ज्यादा, नेहा ज्यादा बोल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ज्यादा कहां पे है? वोल्टेज लेवल्स नजदीक कहां पे है? व्हाट डू यू थिंक? वोल्टेज लेवल्स नजदीक कहां पे है तो नॉइज का भी इफेक्ट ज्यादा कहां पे होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ज्यादा कहां पे होगा? सेकंड वाले केस में होगा, बोलिए हाँ कि ना। देवेंद्र और नेहा आप समझ पा रहे हो कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होगा वो सेकंड केस में ज्यादा होगा कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन वन। तो अब मुझे आप लोग ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर दोनों केस में सेम करना हो तो क्या करना पड़ेगा? इन दोनों केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर सेम करना हो तो क्या करना पड़ेगा? ये सभी क्वेश्चंस एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स आपको पूछ सकते हैं। आप सोच के बताओ मुझे, यहां पे मुझे दोनों के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा? बेटा एनर्जी सेम नहीं रखना है ना, मुझे ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके मुझे ये बताओ, ओके वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट। आई थिंक आप लोग विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ हम लोग क्या कर रहे हैं दोनों स्कीम के अंदर? हमारे पास जीरो जीरो है, जीरो वन है, वन जीरो है और वन वन है, बराबर। ये हमारा S1 है, ये हमारा S2 है
ये हमारा एस थ्री है और ये हमारा एस फोर है, बराबर। अब मुझे ये बताओ कि पहले वाले केस में जब हम जीरो भेज रहे हैं तो वोल्टेज लेवल कितना भेज रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली एक वोल्टेज लेवल भेज रहे हैं तो क्या वो माइनस थ्री है, अप्रोक्सीमेट बात कर रहा हूं। हाँ बेटा, माइनस थ्री है, उसका एम्पलीट्यूड मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो है रूट ऑफ टू बाई टी जो है, अगर वो हमने मल्टीप्लाई कर दिया हर एक के साथ तो हर एक पॉइंट उसकी उसी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ये लीनियर ऑपरेशन है ना। अच्छा चलो, मुझे ये बताओ अगर मैं पहला केस ले रहा हूं, तो मुझे ये बताओ जीरो जीरो के लिए मैं क्या ट्रांसमिट कर रहा हूं, जीरो जीरो के लिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो क्या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड माइनस थ्री इंटू रूट टू बाई टी होगा, बोले हाँ कि ना। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या रूट थ्री टू बाई टी होगा, बराबर। पॉइंट वन के लिए क्या होगा, जीरो वन के लिए क्या होगा, जीरो वन के लिए हम लोग क्या ट्रांसमिट करेंगे इन फर्स्ट स्कीम जीरो वन के लिए हम लोग क्या ट्रांसमिट करेंगे, तो क्या हम ट्रांसमिट करेंगे माइनस वन रूट ऑफ टी बाई टू, बोले हाँ कि ना। इसी तरह वन जीरो के लिए हम ट्रांसमिट करेंगे जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा क्या वो होगा वन डिवाइड बाई टी, और बाद में ये हो जाएगा आपका आई थिंक थ्री इंटू रूट टू बाई टी, बोले हाँ कि ना। ये समझ रहे हो, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इन दोनों के बीच में जो कंसेक्यूटिव वोल्टेज लेवल्स हैं, कुछ भी कर लो, इन दोनों के बीच में जो गैप रहेगा वो दो वोल्ट का रहेगा। हाँ, अगर आप यहां आप स्केल अप भी कर रहे हो तो सब एक साथ स्केल अप होंगे, समझ रहे हो। यानी कि यहां जो डी मिनिमम रहेगा वो कुछ रहेगा, मगर जब मैं सेकंड की बात कर रहा हूं तो सेकंड के अंदर बताओ क्या कर रहे हैं, जब हम सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं तब क्या भेज रहे हैं, सो आई थिंक हम भेज रहे हैं वन इंटू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वन इंटू रूट ऑफ टू बाई टी, यहां पे भेज रहे हैं टू इंटू रूट टू बाई टी, बोले हाँ कि ना। रूट टू बाई टी यहां पे भेज रहे हैं हम थ्री इंटू रूट टू बाई टी, और यहां भेज रहे हैं हम फोर इंटू रूट टू बाई टी। अगर इन सब के अंदर मैं ये ले रहा हूं कि सपोज जो आपका रूट टी बाई टू रूट टू बाई टी है, सपोज वो वन है, तो अब मुझे बताओ यहां पे आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस थ्री हो जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा, ये आपका वन हो जाएगा, ये आपका थ्री हो जाएगा, और यहां पे यू विल रिसीव इट एज वन, यू विल रिसीव इट एज अ टू, यू विल रिसीव इट एज अ थ्री, यू विल रिसीव इट एज अ फोर, बोलिए हाँ कि ना। आप लोग इसको रिसीव कर रहे हो, डीमॉड्यूलेट कर रहे हो विथ अ कोहरेंट डिटेक्टर। देवेंद्र आई एम क्लियर। हाँ, और क्या होता है कोहरेंट डिटेक्टर, जहां पे हमें ये चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये होता है कोहरेंट मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेटर। देवेंद्र, तो अब ये क्लियर है ना कि जब मैं इसको फिर से मल्टीप्लाई करूंगा विद कॉस ऑफ 2πfct, तब मेरे पास जो आउटपुट आएगा सैंपल करने के लिए, वो इनमें से ही कोई वोल्टेज लेवल आएगा, माइनस थ्री माइनस वन वन थ्री वन टू थ्री फोर, बराबर। तो अब मुझे बताओ कहां पे आपको लगता है कि अगर नॉइस थोड़ा सा भी ऐड हो गया तो आपका सिंबल जो है वो गलत रिसीव होगा, कहां आपको लगता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ज्यादा है, थोड़ा सा भी वोल्टेज अगर ऐड हो गया तो स्विच हो सकता है, आपका एरर हो सकता है। एग्जैक्टली इन द सेकंड केस यहां पे डिस्टेंस जो है ना, यहां पे लेवल्स जो है ना, लेवल्स काफी नजदीक हैं,
तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि मुझे दोनों केस के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर सेम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों केस के अंदर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इसको वन फिक्स करता हूं, डिस्टेंस सेम कैसे? हाँ, डिस्टेंस सेम करना पड़ेगा। तो अभिषेक मुझे ये बताओ, अगर मैं ये वन को फिक्स कर रहा हूं, ये वन तो चाहिए ही चाहिए, तो बताओ अब इसको मैं क्या लूंगा? अगर मैं पहला जो वोल्टेज लेवल है उसको मैं वन वोल्ट फिक्स कर रहा हूं, मुझे दोनों के अंदर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर सेम चाहिए, तो अब मुझे बताओ ये वन है, मैंने फिक्स कर दिया है, तो सेकंड सिंबल के लिए मैं क्या यूज करूंगा, कौन सा वोल्टेज लेवल यूज करूंगा? एग्जैक्टली मुझे यहां पे इसकी जगह 3 यूज करना पड़ेगा, इसकी जगह पे 5 यूज करना पड़ेगा और इसकी जगह पे 6 यूज करना पड़ेगा। बोलिए हाँ कि ना, क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बेटा अल्टीमेटली आप वोल्टेज लेवल्स नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है सुमित, मैंने टी और सब कुछ वही रखा है, मैंने ये सब के लिए √2/T जो है उसको तो 1 ही रखा है, मगर अल्टीमेटली मैं जो वोल्टेज लेवल है ना उसको बढ़ा रहा हूं। 7 आएगा। हाँ, समझ रहे हो? हाँ, मुझे डिफरेंस सेम चाहिए। तो अगर मैं यहां पे इसका बना रहा हूं कॉन्स्टोलेशन, तो अब देखो ये 1 होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा और ये 7 होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डी मिनिमम होगा, ये डी मिनिमम क्या देगा आपको? ये जो डी मिनिमम है ये क्या देगा आपको? क्या ये आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर देगा? जो डी मिनिमम है क्या ये हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर देगा? हाँ। तो अब बताओ यहां पे जो डी मिनिमम है वो 2 है और यहां पे जो डी मिनिमम है वो भी 2 है, तो अब जाके क्या दोनों केस के अंदर डी मिनिमम सेम हो गया है तो क्या एरर का प्रोबेबिलिटी सेम होगा? हाँ, सेम होगा, होगा ना बेटा? मगर इससे नुकसान क्या हुआ? अगर हम ये 1, 3, 5, 7 लिख रहे हैं तो इससे नुकसान क्या होगा? आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये सभी थियोरेटिकल स्टेटमेंट है, मुझे आपको समझाने हैं। ये 1, 3 एनर्जी ज्यादा हो गया, बिल्कुल सही, जो एवरेज एनर्जी हो जाएगा ना वो ज्यादा हो जाएगा, और इसीलिए हम लोग ऑलवेज ये जो लेवल्स लेते हैं ना वो ऐसे लेते हैं जो सिमेट्रिकल टू ओरिजिन हो। बोलिए हाँ कि ना, समझ रहे हो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देयर इज सम लॉजिक। पागल नहीं है इंजीनियर लोग जो हैं, जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो पागल तो बिल्कुल नहीं है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हमारे जो भी लेवल्स होते हैं इन केस ऑफ AS के, वो ऑलवेज 0 के आसपास होते हैं, और ये क्यों होते हैं? क्योंकि जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा वो आपका कम होगा और साथ में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर भी अच्छा भला अचीव हो जाएगा। क्या ये समझ रहे हो? क्या ये समझ पा रहे हो आप लोग? हाँ, अगर ये समझ पा रहे हो, लाइक यहां पे आपको यहां से ही ये समझ जाना चाहिए था कि इन स्पाइट ऑफ स्पेंडिंग मोर एनर्जी ऑन एवरेज एनर्जी, स्टिल इन केस ऑफ सेकंड एग्जांपल हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो है वो ज्यादा है। समझ रहे हो? जो पहला केस था जहां सिमेट्रिकल टू ओरिजिन था वहां पे एवरेज एनर्जी आपका 5 जूल था, आपने सेकंड केस में वो किया है आपका 7.5 जूल, मगर वहां पे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो है वो बढ़ गया है। बोलिए हाँ कि ना, आप ये समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्यों बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, क्या होगा, एरर क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, ये समझ पा रहे हो? ओके, अगर ये समझ पा रहे हो तो मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं आप लोग इसको कैसे डील करते हो। चलिए मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। कॉन्स्टोलेशन डायग्राम सबको समझ में आ रहा है? हाँ बेटा,
कॉन्स्टेलेशन डायग्राम सबको समझ में आ रहा है? आप लोग समझ पा रहे हो इसको? हाँ बेटा, चलिए अब यहां पे मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, लेट अस सी कि आप लोग क्या इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, एंड होपफुली आप लोग इसको इंटरप्रेट कर लोगे सक्सेसफुली। अगर ये हुआ तो आई थिंक कुछ ढंग का पढ़ाया है आज, आई थिंक सो, अगर ये कर लिया तो आपने। ओके, सो नाउ माय पॉइंट्स आर दिस। वन पॉइंट इज दिस। ये कौन सा टेक्निक है मॉड्यूलेशन का, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, आपको जस्ट अभी के लिए लर्न करना है कि क्या है। बराबर, ये सिंबल वन के लिए है, ये एस वन के लिए है, ये एस टू के लिए है, ये एस थ्री के लिए है, ये एस फोर के लिए है, राइट? एंड व्हाट आई एम गिविंग यू दिस विच इज से टू। एक ये एग्जांपल है और एक और एग्जांपल ले रहे हैं विच इज से ऐसा ही ले रहा हूं मैं, बट आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंटली ओवर हियर। चलिए ये हो गया, जो पहला एग्जांपल है, सो व्हाट डू यू थिंक, जो पहला एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है उसमें मैंने कौन सा यूज किया है, इज इट कितना लेवल का है, वो चार लेवल है, आठ लेवल है, कितना लेवल है, एटलीस्ट आई थिंक यू कैन कमेंट लेवल्स, कितने लेवल्स का है जो मैंने पहला एग्जांपल लिया है वो कितने लेवल्स का है। अरे मैं लेवल्स की बात कर रहा हूं सुमित, कितने लेवल्स का है? ओके सुमित, समझ रहे हो, वो चार लेवल है ना सुमित, चार लेवल है ना, नहीं एक ही लेवल है, ऐसे कैसे एक ही लेवल है? सुमित क्या बोल रहे हो आप? अच्छा आप नहीं समझ रहे हो कि चार लेवल है ये, हाँ फोर डिफरेंट फेज है, हाँ ये एग्जांपल ही जो है वो पीएसके का है, मैंने वही बताया क्या नाम है सुमित कि ये कौन सा मॉड्यूलेशन स्कीम है, ये नहीं बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ एग्जांपल कर रहे हैं। तो यहां पे फोर फेज होंगे ना, ये पीएसके हैं, तो यहां पे चार अलग अलग फेज हैं सुमित, तो अब तो बोल सकते हैं ना कि फोर लेवल है बेटा। हाँ हाँ, यहां आप इसको मत देखो कि ये एएसके है, ये एएसके नहीं है, मैं यहां पर दे रहा हूं आपको पीएसके, यहाँ पे आपको अलग अलग फेज मिल जाएंगे। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि आपको इसको कैसे समझना है, एंड हाउ वुड यू इंटरप्रेट दिस। अगर ये समझ गए हो तो मेरे लिए कल आसानी रहेगा पीएस के समझाने में, एंड इवन एफएस के समझाने के लिए। ओके, अब मुझे ये बताओ, ये कॉन्स्टेलेशन है बराबर, अब मुझे यहाँ पे ये बताओ जो सेकंड एग्जांपल है यहाँ कितने लेवल्स होंगे, जो सेकंड एग्जांपल है यहाँ कितने लेवल्स होंगे? आठ लेवल्स होंगे, बोले हाँ कि ना? जो सेकंड एग्जांपल है क्या यहाँ पे आठ लेवल्स होंगे? हाँ आठ लेवल्स होंगे। अब ये जो लेवल्स हैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ भी डिस्टेंस जो है वो टू है, राइट? तो यहाँ पे लेवल्स जो है, ये है मेरा लेवल, ये एस वन सिम्बॉल, ये मेरा एस टू, ये सिम्बॉल एस थ्री, और ऐसे करके हमारे पास एट सिम्बॉल्स हैं बराबर। तो चलिए अब आप इसको देख के मुझे ये बताइए कि कौन से एग्जाम्पल के अंदर आपको ऐसा दिख रहा है कि
जो एरर प्रोबेबिलिटी होगा वो ज्यादा होगा। कौन से केस के अंदर आपको लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ज्यादा होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर सेकंड वाले केस में क्यों ज्यादा होगा? ये जो लेवल्स हैं, ये जो सिंबॉल्स हैं, ये सिंबॉल्स नजदीक आ गए हैं, बराबर है, समझ रहे हो? अच्छा, अब मुझे यहां पे ये बताओ, इन बोथ ऑफ द केसेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट सिंबॉल क्या होगा? यहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट सिंबॉल S1, सिंबॉल S2, सिंबॉल S3, सिंबॉल S4, यहां पे भी सिंबॉल S1, सिंबॉल S2, सिंबॉल S3, सिंबॉल S8, इन सबको ट्रांसमिट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कितना होगा? 4। क्या सेम होगा? एनर्जी सेम होगा, राइट? हाँ, मगर जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वो कहाँ ज्यादा है? जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वो कहाँ पे ज्यादा है? जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है यहाँ पे ज्यादा है, राइट? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो डी मिनिमम है वो यहाँ पे इतना दिख रहा है आपको, मगर जो यहाँ पे डी मिनिमम होगा वो आपका उससे कम हो जाएगा। बोले हाँ कि ना? इट्स ऑल अबाउट डी मिनिमम, इट्स ऑल अबाउट डी मिनिमम। डी मिनिमम जितना कम होगा उतना हमें नुकसान होगा, क्या ये बात समझ पा रहे हो आप लोग? डी मिनिमम जितना कम होगा उतना हमें नुकसान होगा इन टर्म्स ऑफ एरर, इन टर्म्स ऑफ एरर, बराबर। सो अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे ये सेकंड वाले एग्जाम्पल में जो एरर है वो एरर को कम करना है, तब मैं क्या करूंगा? चलिए सोच के बताओ। जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है उसके अंदर मुझे जो डी मिनिमम है, ये डी मिनिमम को मुझे बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा? व्हाट डू यू थिंक? पॉइंट्स इतने ही रखने हैं? एग्जैक्टली, हमें रेडियस बढ़ाना पड़ेगा। बोलिए हाँ कि ना? हमें रेडियस बढ़ाना पड़ेगा, और अगर मैंने रेडियस बढ़ाया तो उससे क्या होगा? अगर मैंने रेडियस बढ़ाया तो उससे क्या होगा? एनर्जी टू ट्रांसमिट अ सिंबल बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हो? देर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ, देर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन एनर्जी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। बोलिए हाँ कि ना? देर इज ऑलवेज अ ट्रेड ऑफ इन प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एज वेल एज आपका एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट अ बिट। बोलिए हाँ कि ना? ये पूरा समझ रहे हो? कॉन्स्टेलेशन डायग्राम को क्या रीड करना है, कैसे रीड करना है, क्या ये समझ पाए हो आप लोग? हाँ, एकदम ढंग से समझ रहे हो इसको, राइट? तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं? एनर्जी एनर्जी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ SI बिट, फॉर SI बिट वन केस लो, यानी कि पहला वाला केस लो या फिर दूसरा वाला केस लो, इट वुड बी फोर, फोर फॉर ऑल, राइट? फोर फॉर ऑल, वेर आई कैन बी वेरीड फ्रॉम, आई कैन से 1 to 8, 1 to 8, बट आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो वन के अंदर है, इट इज ऑब्वियसली लेस देन द प्रोबेबिलिटी इन 2, राइट? चलिए यहां मुझे बताओ, सबके एम्पलीट्यूड तो सेम ही है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, तो इसको बोलते हैं 4PS के। यहां पे 4 अलग अलग फेज दिख रहे हैं आपको, इसका 0 फेज, इसका 90 फेज, इसका 180 फेज, इसका 270 फेज, और इसको बोलेंगे 8PS के, राइट? हाँ, मैंने ऑल दो आपको पढ़ाया नहीं है, बट आई थिंक आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 8FS के भी आएगा अभिषेक, मगर मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूँ कि ये आपका 4PS के है, ये ऐसा दिखाई देगा,
और जो 8 PS के है ये आपको ऐसा दिखाई देगा। क्या ये समझ रहे हो आप लोग? मैं पढ़ाऊंगा, मुझे आपको PS के पढ़ाना है। तो अगर मैं यहाँ से कॉन्स्टोलेशन के, आई होप आपको पूरा का पूरा जो कॉन्स्टोलेशन डायग्राम है वो समझ में आया है। हाँ, सबको समझ में आया है। उसका एक तो पर्पस क्या होता है, वो हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं, उससे इन्फॉर्मेशन हमको क्या क्या मिलेगा, राइट? चलिए तो अभी फटाफट से आई कैन जस्ट स्टार्ट विथ PSK, मगर हमें सबसे पहले पढ़ना होता है सिर्फ और सिर्फ 2 PSK। अच्छा, मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछूं आप लोगों को। हाँ, अगर मैं यहाँ आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो मुझे ये बताओ कौन सा वाला अच्छा होगा, व्हाट डू यू थिंक, कौन सा वाला अच्छा होगा, 2 ASK, 2 ASK, 4 ASK और 8 ASK, व्हाट डू यू थिंक कौन सा वाला अच्छा होगा? ओके, वी कैन डू समथिंग, ऐसा हो तो हम लोग PSK कल करेंगे, आज हम बात कर लेते हैं फॉर ASK, लाइक MASK, MRASK। तो चलिए अब मुझे ये बताओ MRASK, तो जो हमने पहले देखा था वो था हमारा बाइनरी ASK, राइट? मगर मैं सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ अभी वो है 4 ASK। सो व्हाट डू यू थिंक, इन केस ऑफ 4 ASK क्या होगा, इन केस ऑफ 4 ASK क्या होगा, इन केस ऑफ 4 ASK क्या होगा? हाँ बेटा, एग्जैक्टली 4 एम्पलीट्यूड लेवल्स होंगे, किसके 4 एम्पलीट्यूड लेवल्स होंगे, किसके, कैरियर के, राइट? तो हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ 4 ASK वी कैन साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट हाउ मेनी बिट्स, इन केस ऑफ 4 ASK साइमल्टेनियसली वी कैन ट्रांसमिट हाउ मेनी बिट्स, एग्जैक्टली विल साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट 2 बिट्स। अगर हम 2 बिट्स की बात करेंगे तो उसके रिगार्डिंग हमारा पल्स शेप होगा, राइट? अगर मैं 4 ASK एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ तो चलिए हमारे पास फिर से बिट स्ट्रीम है, हमारे पास फिर से बिट स्ट्रीम है। तो चलिए अगर मैं बिट स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ तो बिट स्ट्रीम क्या था हमारा, इट वॉज लाइक से 10 1101, सो वी हैव दिस काइंड ऑफ अ बिट स्ट्रीम। तो चलिए आप लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ पे हम इसको मैप करेंगे, हम लोग इसको मैप करेंगे ऑन ए के। तो चलिए अब हमारा जो मैपिंग होगा वो मैपिंग अकॉर्डिंग टू क्या होगा, हमारा मैपिंग अकॉर्डिंग टू बिट होगा या अकॉर्डिंग टू सिंबल होगा? और अगर सिंबल होगा तो सिंबल के अंदर कितने बिट्स होंगे? एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू सिंबल होगा और सिंबल के अंदर कितने बिट्स होंगे? एग्जैक्टली 2 बिट्स होंगे। तो ये आपके 2 बिट्स यहाँ पे होंगे, 10 का एक वोल्टेज, 11 का एक वोल्टेज और 01 का एक वोल्टेज, राइट? सो चलिए हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 00 01 10 एंड 11। तो 10 के लिए आएगा, 10 के आएगा 1 वोल्ट, 11 के लिए आएगा 3 वोल्ट एंड 01 के लिए आएगा -1 वोल्ट। जो मैपिंग है, मैपिंग कैसा लिया है मैंने, मैंने मैपिंग कैसा लिया है, ए के और ये बी के। तो अगर ये 00 है, ये 01 है, ये 10 है और ये 11 है, तो मैपिंग कहाँ होगा, 00 का होगा -3 वोल्ट पे, 01 का होगा -1 वोल्ट पे, 10 का होगा 1 वोल्ट पे और 11 का होगा 3 वोल्ट पे। तो चलिए क्या ये सही है बेटा, तो क्या ये सही है? हाँ सर, एग्जैक्टली करेक्ट है, बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एके को मल्टीप्लाई कर देंगे, अब हम एके को मल्टीप्लाई कर देंगे विथ हमारा पल्स और हमारे पास एक्स ऑफ टी आ जाएगा, बोले हाँ कि ना? अब एक्स ऑफ टी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए के, वो हो जाएगा ए के, आपका हो जाएगा पल्स और ये हो जाएगा आपका टी माइनस के टी,
बोलिए हाँ कि ना। मैं इसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ये जो आपका शेप आएगा x ऑफ t का, तो मैं x ऑफ t को ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मगर क्या आप लोग इसको फील कर पा रहे हो? इसके बाद जो x ऑफ t आएगा, क्या आप इसको फील कर पा रहे हो? आपका x ऑफ t क्या हो जाएगा? इट वुड बी समेशन ऑफ आपका a के, समेशन ऑफ a के और साथ में पल्स t माइनस kt हो जाएगा। बोले हाँ कि ना, ये समझ रहे हो मेरी बात? अगर ये सब कुछ बात समझ रहे हो तो अब मुझे पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ कि यहाँ पे आपका जो टी होगा वो टी क्या लोगे आप लोग? चलिए, माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू यू गाइस इज, यहाँ पे टी क्या लोगे आप लोग? यहाँ पे टी क्या होगा एग्जैक्टली? रितेश, डबल होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि सर ने आपको ये पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? t इज इक्वल टू ऑलवेज लेना है, t इज इक्वल टू ऑलवेज लेना है टी बी लॉग m बेस 2। बोलिए हाँ कि ना। आपका जो टी बी होगा वो ऑलवेज क्या होगा? t होगा, वो होगा टी बी लॉग m बेस 2। तो यहाँ पे वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ t। क्या ये सबसे पहला एक्सप्रेशन सबको समझ में आया है? क्या ये सबसे पहला एक्सप्रेशन सबको समझ में आया है? ये सब चीजें रटोगे आप लोग? मैं आपको इतना ढंग से समझा रहा हूं तो क्या रटोगे ये सब चीजें आप लोग? हाँ माय बाप, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, अगर टाइम डोमेन के अंदर आपका पल्स जो है उसका टाइम बढ़ रहा है तो व्हाट डू यू थिंक फ्रीक्वेंसी में बैंडविड्थ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी के अंदर बैंडविड्थ में क्या फर्क पड़ेगा? हाफ हो जाएगा, घटेगा, बराबर है। मगर पहले मुझे ये बताओ कि अगर हम इसको करेंगे, मॉड्यूलेट करेंगे, तो इसका बैंडविड्थ क्या हो जाएगा? पहले बताओ बैंडविड्थ ऑफ 2As के क्या होगा? बैंडविथ ऑफ 2As के इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर पल्स। नहीं, सोच के बताओ। देवेंद्र बिल्कुल सही बोल रहे हो, 2RB होगा। एग्जैक्टली क्या होगा? 2RB होगा इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर पल्स। मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं पहले सब कुछ बात करूंगा फॉर रेक्टेंगुलर पल्स, तो 2RB होगा। मगर जब हम बात करेंगे फॉर दी m एरे की, तो क्या ये डिवाइड बाई हो जाएगा? तो क्या ये हो जाएगा डिवाइड बाय, क्या ये हो जाएगा डिवाइड बाय कितना, क्या ये हो जाएगा डिवाइड बाय कितना? लॉग ऑफ m बेस 2। तो क्या यहां पे वो rb हो जाएगा जो सेकंड एक्सप्रेशन है? क्या ये सबको समझ में आया? जो सेकंड एक्सप्रेशन है, क्या ये सबको समझ में आया है? हाँ बताइए। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इसी के ऊपर होते हैं। क्या आप लोग ये समझ पा रहे हो? क्या आप लोग समझ पा रहे हो ये? ओके, एक्सीलेंट। तो अब अगर ये समझ पा रहे हो आपका टाइम पीरियड ऑफ अ पल्स एंड बैंडविड्थ, तो यहाँ पे मुझे ये बताओ कि, चलिए मैं आपको कुछ समझाता हूँ। जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी। अब होपफुली आप लोग समझ जाओगे इसको। स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी। अब ध्यान से समझिएगा। अब मुझे ये बताओ कि हमारे पास जो है वो रेक्टेंगुलर पल्स हैं, बराबर। अगर मैं यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फटाफट से, तो चलिए मुझे ये बताओ कि हमारे पास जो पल्स है वो पल्स कौन सा है? हम कौन सा पल्स लेते हैं हर बार, यानी इनिशियली हम कौन सा पल्स लेते हैं? रेक्टेंगल, राइट। तो चलिए, अभी भी हमारे पास क्या है? ये रेक्टेंगुलर पल्स है। सपोज हमारे पास ये रेक्टेंगुलर पल्स है इन अ टाइम डोमेन। तो पल्स जो है वो है मेरा पी ऑफ टी,
और चलिए मैं उसको फटाफट से ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड दैट पल्स इज दिस, एंड दैट पल्स इज दिस। अगर मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ सिर्फ लिख रहा हूँ तो भी चलेगा ना, मैं ड्रॉ क्यों कर रहा हूँ छोड़िए, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। लाइक जो पल्स है वो पल्स हम ले रहे हैं रेक्टेंगल, राइट। तो अब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है, रेक्टेंगल पल्स, रेक्टेंगल फॉर टी सेकंड्स, रेक्टेंगल फॉर टी सेकंड्स। अभी मुझे ये बताओ टी क्या है यहाँ पे, टी क्या है यहाँ पे, क्या वो टी बी, क्या वो टी बी इंटू लॉग एम बेस टू है? हाँ सर बिल्कुल यही है। तो चलिए मुझे ये बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो ये पूछ रहा हूँ कि बेसबैंड के अंदर, जब हम बेसबैंड की बात करेंगे तो बेसबैंड के अंदर इसका बैंडविड्थ क्या है? चलिए बताइए, सोच के बताइएगा, बेसबैंड के अंदर इसका बैंडविड्थ क्या था इन केस ऑफ बेसबैंड, एक बार सोच के सब लोग बताइएगा। अगर मैथ्स कर रहे हो तो बैक ऑफ द माइंड मैथ्स करो और मुझे बताओ कि इसका बेसबैंड में बैंडविड्थ क्या आएगा, बेसबैंड में बैंडविड्थ क्या आएगा। वन बाई टी आरबी, क्या सब लोग ये बोल रहे हो? मैत्री, अभिषेक, तन्वी, पौरव, पौरव कहाँ, प्रत्युष, अरुण, आप सब लोग क्या ये बोल रहे हो, ये बात से आप लोग सहमत हो कि अगर हम बेसबैंड की बात कर रहे हैं तो इन केस ऑफ बेसबैंड जो भी बैंडविड्थ रहेगा वो बैंडविड्थ होगा, बेटा देखो ना रेक्टेंगल जो है इसका पहला नल कहाँ पे आएगा, इसका पहला नल टी पे ही आएगा। हमने ऐसे ही पल्स लिया है ना, और रेक्टेंगल जो है रेक्टेंगल टी का है, सॉरी रेक्टेंगल टी का है हाँ, तो यहाँ बेसबैंड के अंदर उसका पहला नल कहाँ पे आएगा, वन बाई टी पे ही आएगा ना। अभिषेक सोच के बता, बेसबैंड में उसका पहला नल वन बाई टी पे ही आएगा, और अगर वन बाई टी पे आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी में वो आर बी हो जाएगा, क्या समझ रहे हो? ये अगर बेसबैंड की बात कर रहे हैं तो बेसबैंड के अंदर इसका बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा। क्या ये बात मैं आगे लेके बढ़ूं, क्या ये सबको समझ में आया है? ओ माय बाप, बेसबैंड के अंदर क्या ये आरबी सबको समझ में आया है? बेसबैंड में आरबी होता है, रेक्टेंगल का आरबी होगा। हाँ, अब अगर मैं यहां से इसको करता हूं क्या, अगर मैं करता हूं इसको 2ASK, अगर मैं करता हूं 2ASK तो बताओ बैंडविड्थ क्या हो जाएगा? इट मस्ट बी क्लियर टू यू, बैंडविड्थ क्या हो जाएगा बताओ? एग्जैक्टली बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2RB, राइट, ये हो जाएगा 2RB। अगर मैं इसी को कर रहा हूं 4ASK तो व्हाट डू यू थिंक क्या हो जाएगा? अगर मैं इसी को ही कर रहा हूं 4ASK तो बताइए बैंडविड्थ क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली तो यहां पे जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है वो क्या आरबी हो जाएगा? हाँ सर बिल्कुल सही है। तो जब मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, जब मैं बात कर रहा हूं फॉर अ न्यू टर्म जो है स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी, अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी तो मेरी बात सुनिएगा, स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी इसका यूनिट होता है रो, ये सिंबल है उसका रो। तो जो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी है वो क्या है, स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी इज इक्वल टू बैंडविड्थ, इज इक्वल टू बैंडविड्थ फॉर बेस बैंड, बैंडविड्थ फॉर बेस बैंड डिवाइड बाय बैंडविड्थ फॉर पास बैंड, इट इज द रेशियो ऑफ बैंडविड्थ फॉर बेस बैंड टू द बैंडविड्थ फॉर पास बैंड। ये क्या इंडिकेट करेगा कि जब आप लोग इसको मॉड्यूलेट कर रहे हो तो क्या आप इफेक्टिवली चैनल यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो।
तो मुझे बताओ, अगर हम बात कर रहे हैं रो के बारे में, तो इन केस ऑफ 2ASK व्हाट डू यू थिंक, क्या आप उसको इफेक्टिवली यूज कर रहे हो? इन केस ऑफ ट्वाइस ASK क्या आप उसको इफेक्टिवली यूज कर रहे हो? बेसमेंट में जो हो सकता है कम्युनिकेशन इन RB फॉर 2ASK आप यूज कर रहे हो ट्वाइस ऑफ RB, तो क्या यहां एफिशिएंसी आप बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो? जो होना चाहिए था RB पे आप कर रहे हो 2 RB पे, हाँ, तो एफिशिएंसी डिक्रीज हुआ ना, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ? आप डबल बैंड यूज कर रहे हो तो आपका स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी जो है वो 0.5 हो जाएगा, बोलिए हाँ कि ना, आपका जो स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी है वो 0.5 हो जाएगा, राइट? ये सभी क्वेश्चंस गेट बहुत अच्छे से पूछता है, मगर मुझे ये चाहिए कि आप लोग इसके कंसेप्ट समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो ना? और जब आप बात करते हो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी इन केस ऑफ 4ASK, तो बताओ इन केस ऑफ 4ASK क्या होगा, इन केस ऑफ 4ASK क्या होगा स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी? 100%, राइट? तो वहां पे स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी हो जाएगा 1, क्लियर है? जितना आप यूज करोगे फॉर बेस बैंड उतना ही आप यूज करोगे फॉर द पास बैंड, तो ये आप इफेक्टिव यूज कर रहे हो चैनल का। बट कोई मुझे ये बता पाएगा कि इसका इन जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा? रो बेस बैंड क्या होगा? क्या बेस बैंड ऑलवेज RB होगा? बेसबैंड ऑलवेज RB होगा, और जो पासबैंड है क्या वो ऑलवेज 2 RB डिवाइड बाय log m बेस 2 होगा, बोले हाँ कि ना, सोच के बताओ। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो तो ये हो जाएगा आपका log m बेस 2 डिवाइड बाय 2, ये होगा इसका इन जनरल इक्वेशन, बोले हाँ कि ना, क्या सबको समझ में आया ये? क्या सबको समझ में आया है ये? ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो बहुत ही क्रूशियल है, ये बहुत ही क्रूशियल पैरामीटर है। तो क्या आप सब लोग ये समझ पाए हो? आप सब लोग ये समझ पाए हो? चलिए, सो आई होप यू हैव फॉलोड दिस, कि बेसमेंट से अगर हम बात कर रहे हैं फॉर दी एम एर ASK का तो क्या फर्क पड़ रहा है, और मुझे ये बताओ अगर हम बात कर रहे हैं ASK का तो फॉर ASK कॉन्स्टोलेशन डायग्राम क्या होगा? एक लाइन होगा, एक सर्कल होगा, या क्या होगा? इन केस ऑफ ASK एग्जैक्टली जो कॉन्स्टोलेशन डायग्राम होगा वो एक लाइन होगा, बराबर है? हाँ, बराबर है। सो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ तो ये क्या होगा, फॉर एम ए एस के कॉन्स्टोलेशन लैग आ रहा है, हाँ मुझे पता है, पिछले 10 मिनट से लैग आ रहा है, कॉन्स्टोलेशन विल बी अ लाइन, कुछ स्नेहा मैं बोल रहा हूँ, आई थिंक वहाँ पे तो नहीं आ रहा है ना, हम ख़त्म ही कर रहे हैं सेशन को, हाँ इट वुड बी अ लाइन, राइट? चलिए, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू, ASK इज फिनिश्ड, तो कल हम बात करेंगे फॉर द PSK। मैं आज आपको असाइनमेंट भेजता हूँ ऑफ बेसमेंट, आई होप ये सभी पॉइंट्स क्लियर हैं आपको, क्लियर है ना? आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको जो मैथमेटिकली है वो सब कुछ ढंग से समझा रहा हूँ, एंड इवन बहुत सारे बुक का जो कंक्लूजन है वो मैं आपको दे रहा हूँ, तो क्लियर है ना आप सबको ये सब चीज़ें? हाँ बेटा, ओके, बहुत सारा कन्फ्यूज नहीं हो रहे हो ना आप लोग? हाँ बेटा, कन्फ्यूज नहीं हो रहे हो ना? एकदम क्लियर जा रहा है ना? हाँ, ओके ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं कल सुबह 7 बजे।